हेलो गाइस, तो गाइस आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी थॉर 4 के बारे में, यानी कि थॉर लव एंड थंडर। ये मूवी कंफर्म हो गई। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए यही है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि थॉर 4 भी देखने को मिलेगी। अब इंतजार है आयरन मैन यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर, कैप्टन अमेरिका यानी कि क्रिस इवांस की। अब देखते हैं फ्यूचर क्या होता है। पर जैसी थॉर 4 अनाउंस हुई सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, तो इससे रिलेटेड क्या क्या अपडेट आए, तो सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल स्टूडियो फेज 4 के बारे में, जो कि 2020 से 2021 तक है और 5 मूवी हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें कि थॉर का नंबर है 5वां नंबर, यानी कि 2021 में 5 नंबर को ये रिलीज होगी और ये थॉर फेज 4 की लास्ट मूवी होने वाली है। फिर उसके बाद फेज 5 अनाउंस होगा। तो सबसे पहले कास्ट के बारे में बात करते हैं, तो क्रिस हेम्सवर्थ एक थॉर का रोल प्ले करने वाले, ये सभी को पता है। इनकी 3 मूवी ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं सोलो, और देन काफ़ी सारी मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं। देन उसके बाद थेसा थॉमसन जो कि रोल प्ले कर रही हैं वेलकरी की, ये सबसे पहले हमें देखने को मिली थी रैग्नारॉक मूवी में, देन काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है। उसके बाद अगला कैरेक्टर है नैटली पोर्टमैन जो कि रोल प्ले करने वाली हैं जेन फोस्टर का, तो ये हमें रैग्नारॉक में कहीं देखने को नहीं मिली थी, और इस मूवी में अब ये कैसे इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, तो काफ़ी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अगला जो कैरेक्टर है काफ़ी कमाल का, जेफ गोल्डन, तो ये ग्रैंड मास्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। अब काफ़ी फनी कैरेक्टर है और ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, आप जाके चेक कर सकते हो। और देन अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में, तो वेलकरी का कैरेक्टर एक्चुअल में कंफर्म हो चुका है कि वो एक लेस्बियन का कैरेक्टर है, यानी कि लड़की लड़की से प्यार करती है और लड़का लड़के को से प्यार करता है, वो होता है LGBT। और जेन फोस्टर का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में उन्होंने 6 महीने ही पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था MCU से, देन उसके बाद फाइनली अनाउंस हो गई मूवी। और उसके बाद जेन फोस्टर का कैरेक्टर फ्यूचर में फीमेल थॉर का बन जाएगा, जो कि इस मूवी में हमें दिखाया भी जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का अपडेट आने वाला है। देन उसी के साथ थॉर कंटिन्यूस फिर हमें देखने को मिलेंगे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में फेज 5 में, जो कि रिलीज़ होगी ये मूवी करीब मई के महीने में। तो देखते हैं आगे के फ्यूचर के अपडेट के साथ। तो गाइस कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। तो ये आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर हाल के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।